हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो एमसीए को लेकर है। अभी अभी आप लोगों ने कुछ पेपर्स में न्यूज आई थी कि एमसीए नाउ एमसीए टू बी अ 2 ईयर कोर्स। एआईसीटीई ने अभी अभी डिक्लेयर किया है कि एमसीए कोर्स को 2 ईयर का कर दिया जाएगा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद से आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए, कमेंट्स किए, इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे मैसेज अभी भी आ रहे हैं। इस बात को लेके काफी कंफ्यूजन है कि एमसीए का जो कोर्स है वो 2 ईयर का हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कहाँ कहाँ हुआ है, एनआईटीज में इस समय हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं पहले आपको समझा दूं कि क्या मतलब है एनआईटीज में इस साल होगा कि नहीं। अभी आपका जो सबसे बड़ा डाउट है कि 2020 जो एकेडमिक ईयर है उसमें होगा कि नहीं, किन किन यूनिवर्सिटीज ने किया हुआ है और कहाँ कहाँ पर हो सकता है, लेटर एंट्री का क्या होगा, इस तरह की न्यूज आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी। और क्योंकि ये न्यूज कुछ पेपर्स में आई थी और अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का समय है तो व्हाट्सएप के थ्रू काफी फैली। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूं, देखिए ये एक न्यूज है एमसीए को लेके कि अब 2 साल का होगा एमसीए कोर्स, इसमें लेटर एंट्री 1। इसी तरह की एक न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर्स में भी आई थी, नाउ एमसीए टू बी अ 2 ईयर कोर्स। ऐसी कई सारी न्यूज के मैसेज जब मेरे पास आए और आप लोग जब मुझे फोन करते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम है मैं पहले उसको सॉल्व कर दूं। सबसे पहले हम कुछ चीजें समझें, एमसीए कोर्स को लेके 2 ईयर के लिए काफी समय से चल रहा है, क्योंकि जितने भी पीजी कोर्सेज होते हैं, अगर हम बात करें एमबीए की, अगर हम बात करें एमटेक की, यानी मोस्टली जो पीजी कोर्सेज हैं वो सब 2 ईयर के हैं। केवल एक एमसीए प्रोग्राम ऐसा है जो 3 ईयर का है। अब 3 ईयर ड्यूरेशन के वजह से कई लोग सोचते हैं क्योंकि 1 साल ज्यादा हो जाएगा पीजी में तो ऐसे में कंफ्यूज होते हैं, तो ये बात काफी समय से चल रही थी। फिर कुछ समय पहले एआईसीटीई ने और कुछ यूनिवर्सिटीज ने ये किया कि जो बच्चा बीसीए कर रहा है, जो बच्चा बीएससी आईटी वाला है, जो बच्चा बीएससी कंप्यूटर वाला है, यानी इन ब्रांचेस के जो स्टूडेंट हैं इनको डायरेक्ट लेटरल एंट्री देना चालू कर दी, यानी एमसीए के सेकेंड ईयर में एडमिशन देना स्टार्ट किया। पर जो बच्चे बीसीए वाले नहीं है, प्लेन बीएससी कंप्यूटर वाले थे, सॉरी बीएससी केवल प्लेन वाले स्टूडेंट थे या कोई और कोर्सेस के थ्रू एमसीए करने जा रहे थे, उनको 3 ईयर का ही कोर्स करना होता था। डिमांड कई समय से थी तो अभी ये न्यूज आ गई है। अब प्रॉब्लम्स क्या है वो बता देता हूं मैं आपको, और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी बता देता हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली बात कि एमसीए का चांसेस इस बात के बहुत हैं कि 2020 से ही 2 ईयर का हो जाए, बट जब तक कि प्रॉपर, अभी ये पेपर की न्यूज है, डिक्लेयर किया, हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में हो सकता है कि 21 में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एनआईटीज में, क्योंकि एनआईटीज ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उसका एआईसीईटी से नहीं लेना देना होता है, वो अपने ऑटोनॉमस बॉडी होने के वजह से हो सकता है कि इस साल 2 ईयर का ना करे, और हो सकता है कर भी दे, पर अभी 8-10 दिन के अंदर एनआईटीज का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको ऐसे ही, आप में से कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं, क्योंकि सीईटी महाराष्ट्र में या हर जगह, सीईटी महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि कोई बच्चा बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी वाला है उसको लेटरल एंट्री मिलती थी, वो अभी भी ओपन है, पर क्या 2 ईयर का हुआ है कि नहीं, ये एक कंफ्यूजन या डायलेमा की कंडीशन है। ये कंफ्यूजन आपका जब भी दूर होगा जबकि यूनिवर्सिटीज ऑफिशियली डिक्लेयर कर देंगी। इसलिए मैं आप सबको एक बात बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगा कि अभी इस बात के लिए परेशान होना कि 2 ईयर का है कि 3 ईयर का है, उसकी जगह हम अगर अपना फोकस एंट्रेंस में ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज आपका अगर एंट्रेंस बिगड़ गया तो फिर 2 ईयर का या 3 ईयर का है उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर सभी जगह यूनिफॉर्मली 2 ईयर हो गया तो लेटरल एंट्री को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी जो 2 ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता था उसको बंद करके कोर्स को ही 2 ईयर का करा जा रहा है। और उसके पीछे का रीजन भी बताता हूं, क्योंकि अब स्कूल कैरिकुलम से ही कंप्यूटर कोर्स को इंक्लूड कर दिया गया, यानी अब क्लास 8-9 के बच्चे भी कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज पढ़ने लगे हैं, यानी 11-12 तक आते आते लगभग हर बच्चा लैंग्वेज पे भी लैंग्वेज भी पढ़ना चालू कर देता है। और इसी सबको देखते हुए ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जो बच्चा केवल बीसीए या बीएससी कंप्यूटर या बीएससी आईटी वाला, उसको लेटर एंट्री देने की जगह अब सारे स्टूडेंट को ही दिया जाए जो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आए। तो ये डिमांड थी कई समय से, इसको कंसीडर भी किया गया है और प्रोबेबल चांस है कि 2020 में ऐसा हो भी जाए, बट जब तक
आपको ऑफिशियली जैसे एनआईटी निमसेट का भी नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी लास्ट वीक में आता है, हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरा, यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी जगह पे क्लियर करेंगी, तो इसमें परेशान होने की जगह, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने, अलग अलग लोगों ने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में मुझे भी ऐड किया गया, टू ईयर एमसीए, टू ईयर एमसीए, दिन भर उसी पे डिस्कशन चल रहा है। इसका कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप मान लीजिए कि अभी आपके पास कोई न्यूज नहीं है, ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने एंट्रेंस पे फोकस करें। दूसरा, एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि सीईटी महाराष्ट्र के लेके भी कुछ कंफ्यूजन है। पहले ऐसा बोला गया था कि सीईटी महाराष्ट्र के साथ साथ पुणे यूनिवर्सिटी के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा, पर अब ऐसा नहीं है। सीईटी महाराष्ट्र का जो आपने फॉर्म भरा है, वही आपको फॉर्म से पुणे यूनिवर्सिटी भी एडमिशन मिलेगा, इसलिए आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। उन्होंने अपना लिंक ओपन नहीं किया, उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया है कि जो सीईटी महाराष्ट्र का स्कोर है उसके बेस पर, टॉप रैंक के बेस पर पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और आप सबको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी समय है, अगर आप 2020 का एग्जाम देने वाले हैं तो अब एग्जाम्स में टाइम कम बचा है, तो अपना सारा फोकस जो है वो एंट्रेंस देने में लगाएं, ना कि 2 और 3 ईयर के फोकस पे लगाएं। क्योंकि जो भी मान लीजिए, अगर एनआईटी में क्या 3 ईयर का होगा तो आप नहीं करेंगे, या 2 ईयर का होगा तो ही करेंगे, तो ये सब दिमाग से निकाल दें। बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी आप न्यूज देखें तो अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी से ही कुछ बच्चों का 43 लाख तक का पैकेज गया है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने एंट्रेंस पे पूरी तरह से फोकस करें। इसके अलावा मैं एक और बात बोलूंगा, कल मैंने एक सेशन लिया भी था, पर वो सेशन मेरी इमीडिएटली लाइव क्लास होने वाली थी, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया था। अभी हमारे पास टाइम कम है, जो बच्चे, क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल से आज बहुत सारे बच्चे क्लासरूम कोर्स के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स, लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी, उन बच्चों के लिए भी मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अभी मैंने स्टार्ट किया है कि एक क्विज आपके साथ शेयर करूंगा, रेगुलरली होगा, जरूरी नहीं कि हर दिन हो, पर रेगुलरली होगा। और उसके लिए आपको impetusgurukul.com की वेबसाइट पर जाना है, या live.impetusgurukul.com पर जाना है, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए इम्पिटस गुरुकुल ऑनलाइन, ये हर बच्चा दे सकता है। इसमें आपको एमसीए वाला कोर्स में क्विज मिलेगी, जिसमें आपको मैथ्स के, कंप्यूटर के, लॉजिकल रीजनिंग के क्विज क्वेश्चन रेगुलर मिलेंगे, और जिन जिसमें स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चंस में कई बार हमें प्रॉब्लम्स होती है, उनकी लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो आप ये रेगुलर क्विज जरूर दीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। और अभी सारे कंफ्यूजन, सारी प्रॉब्लम्स को निकाल दीजिए। जो भी कोई भी अपडेट होगा, मैं अभी इस सेशन के लिए रुका हुआ था क्योंकि अभी न्यूज नहीं थी, पर आप लोग कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे इसलिए सेशन लेना जरूरी था। पर जो भी लेटेस्ट अपडेशन होगा वो आपको मैं तुरंत बताऊंगा। अभी मैं आपको ये कहूंगा कि अभी 2-3 ईयर में ना उलझे, अभी आपका फोकस केवल एंट्रेंस पे रखिए और पॉजिटिव माइंड से रखिए। अगर सीईटी महाराष्ट्र का फॉर्म अभी भी नहीं भरा तो फिल कर दीजिए, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए सेपरेट नहीं भरना है। और जो जो एग्जाम्स की डेट आती जाएंगी वो मैं आपको टाइमली बताता जाऊंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।